सुशील कुमार मोदी जी अफवाह मियाँ हैं और पिपिल डोबन में अफवाह स्थापित करना चाहते हैं। सुरेंद्र यादव जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, उनके अतीत के पन्नों को खंगालते हैं, जिन पन्नों पर न्यायिक निर्णय कई बार आ चुके हैं। और एक सवाल उन्होंने जो किया बड़ा हास्यास्पद लगा कि भाई पॉक्सो एक्ट, कोई भी सामूहिक बलात्कार की पीड़िता अगर अस्पताल में न्याय की गुहार लगा रही हो और कोई पॉलिटिकल पार्टियां अपने शिष्टमंडल को भेजती हो उसकी पड़ताल के लिए, उस पर आप पॉक्सो एक्ट लगवा देते हो कि आपने उनका नाम उजागर कर दिया, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है ना। उसको भी सुशील कुमार मोदी, देखिए एक बात जान लीजिए आप, बिहार की नवगठित सरकार जो निश्चय था तेजस्वी जी का नेतृत्व है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, गांधी मैदान से मिला कि नहीं, सीधे 10 लाख रोजगार का अवसर देने की बात की, नौकरी देने की बात की। पहला रोजगार तो सुशील कुमार मोदी जी को मिला है, 20 महीना से क्वारंटीन थे पॉलिटिकली, उनको तो बीजेपी कार्यालय में हिलने भी नहीं देता था लोग, लेकिन मौका तो मिला है, लाभ तो उठाएंगे ही ना। वो लाभ उठाने के बाद इतना तो और क्या कारण है, भाजपा में प्रासंगिकता वो खो चुके हैं, वो चाहते हैं कि पुनः प्रासंगिक हम बने, लेकिन जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुशील कुमार मोदी एक ऐसे किरदार हैं जो भाजपा को दीमक की तरह चाट गए हैं, और भाजपा की बर्बादी ही सुशील कुमार मोदी जी का अंतिम निश्चय है। भाजपा की तरफ से ये बात अब सामने आ रही है कि जो महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, तो इसको कैसे देख रही है? देखिए बिहार में महागठबंधन की जो सरकार बनी है वो विश्वास के आलोक में बनी है, और जब कोई सरकारें विश्वास के बुनियाद पे बनती है तो जन आकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए होती है। भाजपा के लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, सत्ता जाने का उनको मलाल लगातार आ रहा है, क्योंकि बिहार में सत्ता में रह करके सिर्फ गठबंधन धर्म की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है, और उनके ही भाजपा के लोगों ने ही कई तरह के हस्तक्षेप से राज्य में एनार्की पैदा की है। और ये गठबंधन जो महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी जी के निश्चय और आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, जो देश में जो हालात है वो उससे भी निपटा जाएगा, लोकतंत्र बहाल हो इस पर काम होगा, देश अधिनायकवाद से देश को मुक्ति हो इस पर काम होगा, क्योंकि देश की आवाम आज के दिन में लगातार यह खोज रही थी कि कौन नेतृत्व होगा देश के अंदर में जो इस बौराई सत्ता पर नकेल कसेगा, तो उसकी अगुवाई वाली ये सरकार है और निश्चित तौर पर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए है। अब भाजपा तो विधवा विलाप करेगी ही ना, सत्ता की मलाई चाह रही थी, और राज्य को तो कोई सहायता प्रदान डबल इंजन की बात की, न विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज मिला, बल्कि बिहार के ही खजानों का बंटाधार किया है इन लोगों ने।